अगर आप CBSE के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो ये खबर आपके लिए है। CBSE रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए बताया है कि छात्रों के डिजी लॉकर खातों के लिए एक्सेस कोड जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि हर छात्र के हिसाब से स्कूल को उनके डिजी लॉकर अकाउंट में 6 डिजिट एक्सेस कोड की फाइल भेज दी गई है, जहां से स्कूल अपने छात्रों को आसानी से एक्सेस कोड दे सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। CBSE ने डिजी लॉकर अकाउंट में स्टूडेंट्स के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार करने के लिए यह पहल की है। CBSE ने बताया है कि अब स्टूडेंट्स के लिए डिजी लॉकर अकाउंट्स को एक्सेस कोड बेस्ड बना दिया गया है, जहां स्टूडेंट्स 6 डिजिट के पिन के साथ अपना अकाउंट एक्टिवेट कर पाएंगे। एक बार अकाउंट लॉगिन होने के बाद इश्यूड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने डिजिटल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देख पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी, वे बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट से जुड़ी हुई तारीखों को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। छात्रों से अनुरोध है कि इन अफवाहों पर ध्यान न देते हुए धैर्य रखें, क्योंकि CBSE द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो 20 मई के आसपास की तारीख में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोटिस में बताया गया है, द रिजल्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम 2024 विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। आप इस नोटिस को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 6 डिजिट कोड एक्सेस करने के लिए स्कूल को 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में स्कूल को दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा और LOC क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। ड्रॉप डाउन से लॉगिन एज स्कूल पर क्लिक करना होगा। दूसरे स्टेप में स्क्रीन के बाएं पैनल पर डाउनलोड एक्सेस कोड फाइल विकल्प पर क्लिक करें और एक नई स्क्रीन दिखाई देगी, जहां से स्कूल पिन डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में फाइल डाउनलोड करने के बाद स्कूल सुरक्षित तरह से स्टूडेंट्स के साथ 6 डिजिट कोड शेयर कर सकता है। इसके अलावा डिजी लॉकर तक पहुंचने में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल भी उसी पृष्ठ पर उपलब्ध है। चलिए जानते हैं CBSE डिजी लॉकर एक्सेस कोड आखिर होता क्या है। डिजी लॉकर पर अपने डिजिटल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तक सुरक्षित पहुंच के लिए छात्रों को अपने स्कूल से स्पेशल सिक्योरिटी कोड यानी 6 अंकों का एक पिन लेना होगा, जो CBSE द्वारा स्कूल के डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके बाद स्कूल अपने छात्रों को ये एक्सेस कोड देता है। डिजी लॉकर में सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये एक्सेस कोड दिए जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिजी लॉकर CBSE ऐप पर CBSE रिजल्ट स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेस करने के लिए सुविधा उपलब्ध करता है।